डीएचए 3 थ्री की पोजिशन सेरेमनी के दौरान डीएचए मैनेजमेंट ने क्या मेजर अनाउंसमेंट किए हैं? यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप आज ट्वेंटी सितंबर को फाइनली डीएचए की मैनेजमेंट ने डीएचए फिफ्ट की आर्मी एलोकेशन सेक्टर डी सेक्टर एफ और डी जी थ्री न्यू पिंडी को पोजिशन अनाउंस कर दी है पीपल आर एक्चुअली द प्लॉट होल्डर्स और डिफरेंट जो लोग थे जिनके यहाँ पे प्लॉट्स थे दे एक्चुअली सेरेमनी और उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि जो वहां पर डेवलपमेंट का काम है वो हो रहा है और जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए क्या कर रही है डी की मैनेजमेंट आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ एट ईयर्स जो इस एरिया में जो है प्रोजर्शन फाइनली अनाउंस हो गई है एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल एंड द प्लॉट होल्डर्स जिन्होंने इतना लंबा अरसा वहाँ में वेट किया और फाइनली उनको जो है प्लाट्स की प्रोदर्शन मिली है और वो अपना घर बना सकते हैं uh, अगर हम बात करें प्रोदर्शन सेरेमनी की तो ड्यूरिंग दिस प्रोजर्शन सेरेमनी डिफरेंट और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डी की मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए थे फर्स्टली डी एच ने प्रदर्शन तो अनाउंस कर दी है लेकिन इस जगह को इनहेबिट बनाने के लिए उन्होंने ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट जो मजीद प्रोजेक्ट्स हैं ताकि कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पर प्रमोट हो सके वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अनाउंस किए हैं फर्स्टली अगर हम बात करें सेक्टर एफ़ में तो सेक्टर एफ का जो लेक एरिया उसके अराउंड जो है वहाँ पर उन्होंने ओपन कहते हैं फूड कोर्ट्स अनाउंस किए हैं सेकेंडली एक वहाँ पर एक मनी सिनेमा का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है और इसके अलावा वहाँ पर ओपन छोटे जो नेबरहुड पार्क्स होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का भी काम का बारे में बताया है सेकेंडली अगर हम बात करें बड़े पार्क की या थीम पार्क की तो सेक्टर डी का जो पार्क का एरिया दैट वाज एक्चुअली अलॉटेड या जो आप मैप पे देख भी सकते हैं वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट का काम है उस पर भी फर्दर डी ने मैनेजमेंट ने बताया कि वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम होगा और अल्टीमेटली इन द अपकमिंग डेज हम देखेंगे कि वहाँ पर पार्क बन जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर डी की फर्दर डेवलपमेंट की तो जो डी का सेक्टर डी का लिटिगेशन एरिया था दैट हैज़ फाइनली बीन क्लियरड और वहाँ पर भी जो अब डेवलपमेंट वर्क है वो होगा और वहाँ पर जो लैंड का प्रोसेस है दैट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट Uh, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी दैट इज़ के सेक्टर ई e के जो लिटिगेशन एरियाज़ हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा काम जो अर्थ वर्क है uh, वहाँ पर अर्थ वर्क स्टार्ट हो गया है एंड होपफुली इन द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यू विल सी के कारपोरेशन सेरेमनी भी इंशाल्लाह होगी एंड दैट वुड बी फॉर द प्लॉट होल्डर्स ऑफ सेक्टर ई e. अगर हम बात करें सेक्टर एच सेक्टर जे एंड जी की तो वी एक्चुअली हैड टॉक विद द इंट्रैक्टिव सेशन विद द मैनेजमेंट एंड द टोल्ड के वी कैनॉट एक्चुअली डिफाइन द एग्जैक्ट टाइम लाइन कि कब यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट होगी बट हाउ एवर दर इज अर रे ऑफ होप कि वहाँ की जो लैंड एक्विजेशन प्रोसेस है दैट इज ऑन गोइंग एट अ वेरी पेस एट अ वेरी फास्ट पेस एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे इन द अपकमिंग डेज कि वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट uh, वर्क है वो हो जाएगा एंड होप फुली होप फुली वहाँ पर भी जो अर्थ वर्क होगा एंड uh, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी जो प्लाट्स हैं वो फाइनली uh, बन जाएंगे uh, अब लेट्स होप के uh, जैसे कि हमने देखा था कि एस वून एस डी एच ए फाइव सेक्टर किए गए ओवरसीज ब्लॉक में पोजिशन अनाउंस हुई थी और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉस आया था अनलाइक डी एच ए फे सिक्स बी थ्री एंड सी टू एंड डी एच ए वैली आई रीली होप के इस जगह पर भी लोगों की तरफ से आप लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉस आएगा यू विल एक्चुअली क्लेर योर ड्यूज जो कि रिमेनिंग है अगेंस्ट डेवलपमेंट चार्जेस एंड यू विल गेट द पोजेशन और अल्टीमेटली uh, वहाँ पर लोग अपना घर बनाए शुरू करेंगे आई रीली होप के यू लाइक आर वीडियोज़ विल कीप कमिंग बैक एंड विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर अपडेट्स रिटेड टू दिस एरिया डू लाइक आर चैनल सब्सक्राइब टू इट विल कीप कमिंग बैक थैंक यू सो मच